नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिजगीर गांव में रविवार को अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनंद फानन में पीड़ित अब्बास को मामले की सूचना दी। जानकारी पर पहुंचे अब्बास ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित ने बताया कि आग कैसे लगी इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वह घर से बाहर खेत पर काम करने गया था। पीड़ित अब्बास ने बताया कि झोपड़ी में आग लगने से उसे काफी नुकसान हुआ है। शब्बीर का घर भी आग की चपेट में आ गया और उसकी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि उस समय तकदीर की झोपड़ी में कोई खास सामान और कोई व्यक्ति नहीं था। उस समय हल्का फुल्का सामान ही रहा था, वहीं सब जलकर खाक हो गया। घर पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंचकर लेखपाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जयबुन सैनी। क्या हुआ आपके घर पर? भी थोड़ी देर पहले आग ऐसी लगी थी। सर हम तो सो रहे थे, हमें मालूम ही नहीं कैसे आग लग गई है। और जब जाने हमने जब बड़बड़ कटी तब हम जग के उठे, हमने देखो मेरे बच्चा कहाँ आए सब, तब वो ढूंढो सब, तो तुम समझ लो सभी होंगे खेल लेते। और सर का नाम सब मेरा नुकसान हुआ, सब जल गए कपड़ा। लगभग कितने नुकसान हुआ आपका? लगभग हुई हुआ 50-60 हज़ार रुपये। कुछ नकदी भी रखी थी क्या? हाँ सर, कपड़ा लत्तन में पैसा 10-10 बक्सा अक्सा कुछ है ही ना है। और बर्तन वर्तन आए जो कुछ हुए सब जल गए। और तेल मसाला सर वो जल गो। तो लगभग बच्चन तेल आपके घर से मतलब कितने घर में आग लगी? तीन घर में सर लग गई आग। आपके घर से? हाँ, हवा इतनी जोर से चल रही सब उड़ उड़ के इधर उधर पहुँच गया। आपका नुकसान हुआ और लोगों भी नुकसान हुआ क्या? हाँ, और लोगों के कारण नुकसान हुआ, तो सर देखना आएगी। आपका क्या नाम है? जयबुन। कहाँ रहने वाली हो? हस्बैंड का क्या नाम है? अब्बास अली। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।